हेलो फ्रेंड्स, तनवीज किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी, जो इस होली आप बना सकते हैं और किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं, या हल्की फुल्की भूख में भी आप इसे बना सकते हैं। और अगर अचानक आपके घर में मेहमान आ जाए तो भी बना सकते हैं। तो ये है मखाना भेल, और बहुत ही हेल्दी और घर के इंग्रेडिएंट से बनने वाली। तो बिना देर किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर मैंने ले लिया कढ़ाई और हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। और जब कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे ये मखाने। और कढ़ाई में हमको कुछ भी नहीं डालना है, ऑयल फ्री बनेगा ये। और हमको मखाने को हल्का सा रोस्ट करना है थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है, और चलाते हुए रोस्ट करना है। और गैस की जो फ्लेम है उसको हम रखेंगे बिल्कुल मीडियम पे, ताकि ये मखाने जले ना। और ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से ये आ जाता है। तो इसका ऊपर का जो छिलका अगर किसी में है मखाने में, तो वो हम निकाल देंगे उसको, और मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। सिर्फ रोस्ट करना है, इसका कलर को हमें चेंज बिल्कुल नहीं करना है। ये मखाने रोस्ट हो चुके हैं, और जब रोस्ट हो जाते हैं तो इनको आप अलग बाउल में निकाल के रख दें और 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने दें। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो अपने आप ये देखिए इस तरीके से कुरकुरे हो जाएंगे, इस तरीके से बिल्कुल चूरा हो रहा है इसका, और ऐसा ही हमें चाहिए। और अब हम इसमें मिलाएंगे बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटा टमाटर। इसमें आप चाहें तो अनार के दाने भी मिला सकते हैं, और थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। हरा धनिया के साथ आप पुदीना भी मिला सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं मिक्स कर रही हूँ इसमें। और इसको पहले जितनी हमने ये चीजें डाली हैं इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, और इसको भी मिक्स कर देंगे। और अब हम डालेंगे हरे धनिए की चटनी, जो आप सबके के घर में बनती है, जो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं अलग अलग। कोई हरे धनिए पुदीने की चटनी बनाता है, कोई लहसुन डाल के बनाता है। और इसमें हमने प्याज नहीं डाली है, आप प्याज भी डाल सकते हैं इसमें। और इस तरीके से इस चटनी को डालने के बाद हम एक प्लेट रखेंगे और इसको अच्छे से बंद, इसको बंद करके इस तरीके से, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इसमें। आप किसी गहरे बर्तन में भी इसे मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको इजीली कंफर्टेबल हो उस तरीके से कर सकते हैं। और अच्छे से इसको मिलाएंगे, और एक बार इस तरीके से भी मिला लेंगे। और ये ऑयल फ्री बढ़िया सी मखाना भेल बनकर तैयार है। और ऊपर से इसमें हम डालेंगे नमकीन, जो भी आपके पास नमकीन हो, या आप जो भी पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं हम, और ये हेल्दी भी बहुत होती है। तो ये देखिए बिल्कुल झटपट बनके तैयार है। तो इस होली पे आप इसे जरूर बनाएं, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और इस तरीके से जो भी आपके पास नमकीन रखी हो आप इसे ऊपर से डाल दें। तो आप इसमें चटनी तभी डालें जब आपके मेहमान आ जाएं और उनको आप सर्व करने के लिए तैयार हो, नहीं तो मखाना सौगी हो जाएगा। और बाकी सारे सूखे मसाले आप इसमें डाल के रख सकते हैं, और सर्व तभी करें जब आप इसमें चटनी को मिक्स कर दें। तो इस तरीके से ये बढ़िया सी, बहुत ही टेस्टी सी और हेल्दी सी रेसिपी बनकर तैयार है इस होली के लिए। तो आप भी इसे बनाएं और अपने मेहमानों को खुश करें, खिलाएं, और हमें
कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा बना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।